3D प्रिंटिंग कम्युनिटी में जनरली दो टाइप के लोग होते हैं. फर्स्ट जिनको ऑनलाइन फाइल्स लेके प्रिंट करने हैं फॉर लाइक कॉस्प्लेज जनरल यूज, एंड सेकेंड आर दोज हु वांट टू टेस्ट आउट देयर प्रोटोटाइप्स जो उन्होंने खुद डिज़ाइन किए हैं. सो ये वीडियो उन सेकेंड टाइप ऑफ लोगों के लिए है. सो वेलकम टू रीडिफाइन. अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें. सो लेट्स बिगिन. इस वीडियो में हम FDM 3D प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या क्या लगता है वो देखने वाले हैं. सक्सेसफुली 3D प्रिंटिंग के लिए आपका डिज़ाइनिंग परफेक्ट होना चाहिए जिससे टॉलरेंस और सरफेस क्वालिटी अच्छी आ जाए. सो ऐसे क्या डिज़ाइनिंग कंसिडरेशन होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए. पहला है वॉल थिकनेस. एक स्टेबल प्रिंट करने के लिए एटलीस्ट 0.8 mm की वॉल थिकनेस होनी चाहिए क्योंकि नॉजल का यूजुअल एक्सट्रूजन विड्थ 0.4 mm होता है. सो एटलीस्ट टू लेयर्स होंगे तो वॉल स्टेबल होगी, वरना फेल होने की चांसेस होते हैं. अब आप सोचेंगे कि वेस्ट मोड में एक ही वॉल होती है जिसका वॉल थिकनेस सेम एज नॉजल एक्सट्रूजन विड्थ होता है, जनरली 0.4 mm, तो वेस्ट मोड क्यों नहीं फेल होता. इसमें नॉजल कंटिन्यूस प्रिंट करता है लेयर अपॉन लेयर इन ए स्पाइरल पैटर्न, इसलिए इसमें सीम लाइंस विजिबल नहीं होते और क्लोज स्ट्रक्चर होने की वजह से प्रिंट भी स्टेबल रहता है. प्रिंट जब स्टेबल होता है तो फेलियर कम होता है. सेकंड आता है सपोर्ट्स एंड ओवरहैंग्स. डिज़ाइन करते वक्त ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है. एक स्मूथ सरफेस फिनिश के लिए सरफेस एंगल 45 डिग्रीज या उससे हायर होना चाहिए. अगर एंगल उससे छोटा होगा तो वहाँ सपोर्ट स्ट्रक्चर्स लग सकते हैं और सपोर्ट स्ट्रक्चर की वजह से वहाँ की सरफेस क्वालिटी अफेक्ट होती है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जहाँ भी पॉसिबल हो विदाउट सपोर्ट डिज़ाइन करें. बहुत सारे केसेस में चैम्फर्स बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है और ये ओवरहैंग्स हटाने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं. फिर आता है हॉरिजॉन्टल ब्रिजिंग. FDM प्रिंटर्स एक हद तक ही हवा में प्रिंट कर सकते हैं इन बिटवीन टू पार्ट्स, इसे ब्रिजिंग कहते हैं. हमने जो ऑब्जर्व किया है उससे 10 mm तक अच्छे से ब्रिजिंग कर सकता है विदाउट सरफेस इश्यूज ऑन द बॉटम पार्ट, और 40 mm तक एक्सेप्टेबल सरफेस क्वालिटी के साथ ब्रिजिंग कर सकता है. उससे लंबा कुछ होगा तो स्लैगिंग काफ़ी आ जाती है. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है. येस, आपका प्रिंटिंग टेम्परेचर भी यहाँ पर मैटर करता है. मूविंग ऑन टू द डिज़ाइनिंग कंसिडरेशन नंबर 4, मिनिमम होल डायमीटर. FDM 3D प्रिंटिंग यूजुअली मिनिमम 2 mm तक का होल सक्सेसफुली प्रिंट कर सकता है, और अगर होल उससे छोटा होगा तो प्रिंट में इशू आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि होल प्रिंट ही ना हो. फिर आता है क्लियरेंस बिटवीन मूविंग पार्ट्स. अगर आपको ये मूविंग पार्ट्स प्रिंट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पिस्टन एंड सिलेंडर, तो पिस्टन एंड आउटर सिलेंडर के बीच में 0.5 mm का क्लियरेंस होना चाहिए फॉर प्रॉपर मूवमेंट इन बिटवीन द पार्ट्स. फिर आता है क्लियरेंस बिटवीन फिटिंग पार्ट्स. अगर आपको दो प्रिंट्स सेपरेटली प्रिंट करके और फिर असेंबल करने हो तो इसमें यूजुअली हम 0.2 mm का क्लियरेंस देते हैं जो मोस्ट केसेस में वर्क करता है. ये जो 0.2 mm हम बोल रहे हैं ये प्रिंटर का प्रिंटिंग टॉलरेंस होता है. आप अपने प्रिंटर का टॉलरेंस चेक करने के बाद ही डिज़ाइनिंग में अकॉर्डिंग क्लियरेंस दीजिए. सो ये थे कुछ डिज़ाइन कंसिडरेशन. अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकता है. अगर आपको कोई और डिज़ाइनिंग कंसिडरेशन पता होंगे तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें ताकि हम भी कुछ सीख सकते हैं. और अगर आपको कोई डिज़ाइनिंग रिलेटेड डाउट्स होंगे तो प्लीज़ पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन. हम पूरा ट्राई करेंगे उसका आंसर देने के लिए. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप प्रिंटिंग.